हेलो, माय नेम इज श्रीतेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं बहुत दिनों बाद वापस अपना व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच रहा था अपना व्लॉग बनाऊँ, पर मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि आई कुडंट फाइंड द राइट टॉपिक टू मेक द व्लॉग। बट रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था उसके यूट्यूब चैनल के बारे में, एंड देन आई रियलाइज किया आई हैव टू मेक वन वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल्स व्हाई दैट मोस्ट यूट्यूबर्स आर नॉट सक्सेसफुल। एंड मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ, बट आई एम एटलीस्ट अ कंसिस्टेंट यूट्यूबर जिसने एटलीस्ट 200 से ऊपर वीडियोस डाले हैं। सो रिसेंटली मेरा एक दोस्त है जिसने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कैसे हमने उसका यूट्यूब चैनल खोला। तो मेरा दोस्त है कमलेश, जिसको आपने कई बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, तो उसका एक यूट्यूब चैनल है स्वैग ऑफ गोस्वामी, जो उसने रिसेंटली बनाया है, और इसके 205 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। एंड ही हैज़ मेड सम 75 वीडियोस इन जस्ट 2 वीक्स। तो ये हर रोज दो वीडियो करके डालता रहता है, उनको मैसिवली प्रमोट करता है। और जब मैंने इसको एडवाइस किया था अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो मैंने इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि तुम इस पे ध्यान मत दो कि सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, तुम बस अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और कंटेंट डालते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखो कि जो मेथड है यूट्यूब पे वीडियोस डालने का, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस को अच्छा करके डालना है, एडिट करके डालना है, थंबनेल्स डालने हैं, डिस्क्रिप्शन डालने हैं, टैग्स डालने हैं, वो सारी चीज़ें डालने हैं, तो आप पूरा टाइम उसी को बनाने में जुट जाते हो, आप इस पर ध्यान नहीं देते हो कि आप वीडियोज़ बना रहे हो। मेरा ये मानना है कि यूट्यूब चैनल जो है वो एक दुकान जैसा है, तो अगर कोई आपकी दुकान पे आता है तो उसको कंटेंट दिखना चाहिए। अगर उसे कंटेंट दिखेगा तो वो आपकी दुकान पे सब्सक्राइब करेगा। तो इसके सब्सक्राइबर इसलिए बढ़े क्योंकि इसने बहुत सारे वीडियोस डाले, इसने थंबनेल्स पे ध्यान नहीं दिया। पर ये मैंने इसको एक्चुअली ऐसा बोला था कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स में, तो मैंने इसके यूट्यूब चैनल में एक कॉमन डिस्क्रिप्शन, एक कॉमन टैग वर्ड्स डाल दिए ताकि लोग उसको इजीली सर्च कर पाएँ। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया मैं इसकी, क्योंकि थंबनेल्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, और हर वीडियो का इसका थंबनेल बनाना भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 चैनल चला रहा हूँ, उसके अलावा मैं राइटिंग का काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। पर इस ये उस वजह से भी नहीं रुका, इसने लगातार वीडियो डालते रहा। और मैंने इसको चीज़ बताई थी कि कोशिश करो कि वीडियोज़ 10-10 मिनट के हों, लॉन्गर वीडियोज़ हों तो वीडियोज़ ज़्यादा चलते हैं। अब इसके पास एक लिमिटेशन है कि इसके पास लैपटॉप नहीं है, इसके पास कैमरा नहीं है, तो ये सिर्फ मोबाइल पे वीडियो शूट करता है और उनको अपलोड करता है। तो कई बार ये अपने बच्चों की वीडियो डालता है, अपने डेली रूटीन के वीडियो डालता है, मॉर्निंग वर्कआउट्स की वीडियो डालता है, बीवी जो खाना बना रही है उस बारे में वीडियो डालता है। सो एनीथिंग दैट ही डज इन द डे वो उस बारे में वीडियो डालता है, और करते करते अभी इनके 75 वीडियोज़ हो गए हैं। और एक मोटिवेशन ये भी था इस वीडियोज़ को बनाने के, इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे, कि एटलीस्ट जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे कि वो बचपन में क्या हरकतें करते थे, एंड दे वुड फील हैप्पी अबाउट इट। सो आप देख सकते हैं कि इनके 205 सब्सक्राइबर हो गए हैं स्वागत गोस्वामी। इसके पहले इसने चैनल का नाम कुछ और रखा था, नटखट बच्चों के पिता, बट मैंने इसको बोला कि अगर तुम किसी को अपना चैनल बताते हो कि ये चैनल ढूंढिए और उसको सब्सक्राइब करिए, तो उनके लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो चैनल का थोड़ा सा इंग्लिश नाम रखो और थोड़ा सा कूल नाम रखो। तो उन्होंने स्वैग गोस्वामी सोचा और स्वागत गोस्वामी रखा, इंटरेस्टिंग नेम, और अभी इजिली सर्च भी होता है। जैसे मैंने अभी सर्च किया तो तुरंत मुझे वो चैनल मिल गया, तो आप भी उसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसमें उसने अपने बच्चों के वीडियोस डाले हैं, वीडियो ब्लॉग्स डाले हैं, खाने के वीडियोस डाले हैं, काफ़ी ब्लॉग्स डाले हैं। सो देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड यू हैव टू मेक द प्रोसेस वेरी इजी। लाइक आपने कई बार देखा होगा कि अक्षय कुमार शाहरुख खान के इंटरव्यू में वो लोग ऐसा बोलते हैं कि दे वर नॉट ऑन अ शूट, दे वर ऑन अ वैकेशन, जहाँ पे वो मज़े कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। नहीं, वो मेहनत भी कर रहे थे, पर उनको ऐसा फील होता है कि वो वैकेशन पे थे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो प्रोसेस से वो गुजर रहे होते हैं, जो चीज़ वो कर रहे होते हैं, वो उसको इतना इन्जॉय करते हैं कि वो उनको हार्डवर्क नहीं लगता है। तो आपको जो भी आप चीज़ करो, अगर आपको वो चीज़ हार्डवर्क लग रही है, तो उसका मतलब आप उसमें बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसमें बहुत अपनी इच्छाओं के विपरीत जाके काम कर रहे हो। तो आपको प्रोसेस को एंटरटेनिंग बनाना है, आपको प्रोसेस को ऐसा बनाना है कि आप उसको करते वक्त मज़ा आए आपको उस चीज़ को करते वक्त। सो उसको कॉम्प्लिकेट मत करो बहुत ज़्यादा। आप जैसे मेरा एक और चैनल है नीलमा श्रीवास्तव किचन करके, मैं दिखाता हूँ आपको नीलमा श्रीवास्तव किचन, ये इसमें 607 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 114 वीडियोज़ हो गए हैं, और इसके अलावा मैंने कुछ स्किट्स और रैंडम ब्लॉग्स भी डाले हैं अपनी मम्मी के। ये मेरा बेसिकली मम्मी का चैनल है, इसको मैं चला रहा हूँ साथ में, तो ये भी मैं एडिट करता हूँ, शूट करता हूँ, इसके वीडियोज़ डालता रहता हूँ। सो इसमें भी मैंने यही फंडा फॉलो किया था इनिशियली कि मैं बहुत ईजी वीडियोज़ बनाऊंगा, पर फिर मुझे लालच आया और फिर मैंने इसमें ग्राफिक्स यूज़ करना शुरू किया, एडिट कट्स यूज़ करने शुरू किए, डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ करने शुरू किए, कलर करेक्शन शुरू किया। पर उससे क्या हुआ कि एक एक वीडियो बनाने में मुझे 4-4 घंटे लग जाते थे, मतलब
फुटेज शूट करो, फिर उसको एडिट करो, फिर उसमें से नॉइज़ रिड्यूस करो जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है, फिर उसके बाद कलर करेक्शन करो, उसके बाद ग्राफिक्स डालो, फिर उसका सब्सक्रिप्शन के वीडियोस डालो, फिर एंड के जो ब्यूटीफुल शॉट्स हैं उसको काट के इनिशियली डालो। तो बहुत सारे ग्राफिक्स मैं उसमें यूज़ कर रहा था, पर उसमें क्या होता था, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था, और जितना टाइम जा रहा था उतना मैं डीमोटिवेट हो रहा था। तो मैं वीडियो शूट कर लेता था, पर उनको एडिट करने में मुझे 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रोसेस को इजी करूंगा, तो अभी मैंने प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अभी मैं सिर्फ कैमरा लगाता हूँ, मम्मी शूट करती रहती हैं, बाद में मैं उसको एडिट करके एज इट इज़ डाल देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो द प्रोसेस बिकम इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड ईजी फॉर मी, सो आई एम पुटिंग मोर वीडियोज़। और यूट्यूब का यही फंडा है, मतलब आपको 50 तरीके के चीज़ें लोग बताएंगे कि आप यूट्यूब पर इस तरह कंटेंट डालो, इस तरह एडिट करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं और सबने शुरुआत वैसी करी थी कि इनिशियली जब तक आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, जब तक आपको पैसा नहीं मिल रहा यूट्यूब से, देन यू वॉन्ट बी टू मच मोटिवेटेड टू पुट योर कॉन्टेंट, एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग। लाइक मैंने भी बीच में अपने ब्लॉग बनाने बंद कर दिए थे, उसके पीछे कारण ये था कि आई वॉज इन फीलिंग टू मोटिवेटेड टू मेक द ब्लॉग। सो मैंने अपना चैनल जो शुरू किया था वो एज अ मूवी चैनल नहीं शुरू किया था, ये फिल्म चैनल नहीं शुरू किया था। मेरा मकसद अपने चैनल को शुरू करने के पीछे ये था कि मैं एक जो चैनल बनाऊंगा वो एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ, अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी कर सकता हूँ। तो वो सोच के मैंने अपना चैनल बनाया था, और वही चीज़ें मैं डालना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। और मैंने लोगों से इनवाइट किया कि अगर आपके कुछ कमेंट्स हो, कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हो, तो आप वो सारी चीज़ें पूछो। तो उन्होंने पूछा, तो वो सारे क्वेश्चंस उनके फिल्म से रिलेटेड थे, तो मैं उसी के जवाब देने लगा। एंड सडनली इट बिकेम अ फिल्म चैनल, विच इट वॉज नॉट इनिशियली। और दूसरा, जब आप बहुत सारे वीडियोज़ डालते हो तो उन वीडियोज़ में कुछ के व्यूज़ आते हैं, कुछ के टाइमिंग रिटेंशन, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है, किसी का ऑडियंस रिटेंशन कम होता है। ऑडियंस रिटेंशन मतलब कौन कितनी देर तक आपका वीडियो चैनल देख रहा है, तो उसके एवरेज नंबर निकल के आता है कि किस वीडियो को लोगों ने ज़्यादा देखा है, किस वीडियो को लोगों ने कम देखा है। तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कौन सी वीडियो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो मेरे जो वीडियो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वो वही हुए जिसे मैंने मुंबई में सर्वाइवल की बात बताई है, या फिर मुंबई में असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बनाए उस बारे में बताया है। तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ बनाए। बट एट अ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यू गेट बोर्ड मेकिंग द सेम वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू द सेम थिंग, यू वॉन्ट टू लिसन टू द सेम थिंग्स। सो अभी भी लोग मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, फिर वही सवाल पूछते हैं जिसके मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, पर बार बार मेरे लिए वो रेफरेंस देना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं बार बार अपना लिंक कॉपी पेस्ट करके लोगों को बताता रहूँ। सो बिकॉज दैट प्रोसेस इज अगेन नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आई नो उससे ही लीड जनरेट होंगे, उससे सब्सक्राइबर जनरेट होंगे, बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ बोरिंग प्रोसेस फॉर मी, सो दैट आई स्टॉप डूइंग इट। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कंटेंट बनाता रहूं, वीडियोस डालता रहूं, और इट बिकम्स लाइक अ वीडियो डायरी फॉर मी। तो प्यूडीपाई का मैं जैसे पढ़ रहा था, तो प्यूडीपाई ने लगभग 3-4 साल तक हर रोज़ एक वीडियो डाला, और उसका ये गोल था कि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूंगा, एंड दैट वॉज इनिशियली माई गोल एज वेल। पर मैंने अपने ऊपर एक ओवर बर्डन कर दिया, मैंने अपने ऊपर किया कि मैं हर रोज़ 5 वीडियो डालूंगा, पर 5 वीडियो डालना अगेन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको वीडियो बनाना पड़ता है, आपको कंटेंट खोजना पड़ता है, आपको सवाल खोजने पड़ते हैं, आपको टॉपिक खोजना पड़ता है, फिर आपके पास उस पर बोलने का कंटेंट भी होना चाहिए, फिर आप उस पर बोलते हो, फिर आप उसको एडिट करते हो, फिर आप अपलोड करते हो, फिर डिस्क्रिप्शन डालते हो, फिर बाकी चीज़ें डालते हो, एंड थंबनेल बनाते हो, अगेन टीडियस प्रोसेस। सो उतना सारा वीडियो डालना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, और फिर बाकी चीज़ें भी लगी रहती हैं, क्योंकि मैं राइटिंग का काम भी कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है, उसमें एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। सो अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं हर रोज़ एक ही वीडियो डालूंगा। आई वॉन्ट गो आफ्टर दिस गोल कि मुझे 300 ब्लॉग पूरे करने हैं, जो कि मुझे करने हैं, मैंने अपना गोल बनाया है कि मुझे 300 ब्लॉग अपने पूरे करने हैं, बट आई वॉन्ट प्रेशराइज माई सेल्फ कि मुझे 300 ब्लॉग पूरे करने हैं, बट द थिंग इज आई हैव टू फिनिश दैट एज मैनी वीडियोज एज यू कैन मेक, जस्ट मेक, बिकॉज देर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी वीडियोज यू कैन मेक, देर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी वीडियोज यू कैन अपलोड इन अ डे। सो जस्ट डू एज मच एज यू कैन, अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हो तो आप यही करते रहो। आई थिंक YouTube has opened a lot of areas where you can explore things. लोगों बहुत सारे लोगों का लिवलीहुड बन गया है, बहुत सारे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, Instagram से पैसा कमा रहे हैं, Twitter से पैसा कमा रहे हैं, YouTube से पैसा कमा रहे हैं। देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट कि अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो, एंड आई ऑल्सो हैव दिस इंटेंशन कि इवेंचुअली इन द फ्यूचर मैं YouTube से पैसा कमाऊंगा और उससे अपनी फिल्में बनाऊंगा, स्किट्स बनाऊंगा। मैंने अभी रिसेंटली स्किट्स बनाने शुरू किए हैं, अगर आप मेरा इस चैनल पे जाओगे नीलमा श्रीवास्तव किचन पे, तो उस पर आपको कुछ स्किट्स मिलेंगे जो मैंने मम्मी पापा के साथ बनाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में मुझे एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। बट द थिंग इज मेरे कुछ प्लान्स हैं, मेरे कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि मुझे फिल्म्स बनानी है, और फिल्म जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं अपनी फिल्म्स बनाना शुरू करूँगा। और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे डोमा95 ने की है, जिसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा एक सेपरेट वीडियो में। बट द थिंग इज अगेन टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। तो यूट्यूब में जितने लोगों ने शुरू किया है, सब लोगों ने बहुत बेसिक से शुरू किया और बहुत टाइम दिया है, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 साल दिए हैं।
अभी मैं आपको एक YouTube चैनल दिखाता हूँ जिसका नाम है ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन। इस चैनल के काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस, काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, और 634 वीडियोस उसने डाले हैं, तब जाके इसके 685K सब्सक्राइबर्स हुए हैं। पर ये लगातार वीडियो डालता ना, अगर आप इसके वीडियो सेक्शन में जाओगे और आप नीचे की तरफ ब्राउज करते रहोगे तो आप देखोगे कि बंदा बहुत कंसिस्टेंट अपने वीडियोस के बारे में, थंबनेल्स इसके रिसेंटली बहुत कंसिस्टेंट है, पर इसके पहले थंबनेल्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, पहले वीडियोस भी इसके इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अगर आपको किसी के यूट्यूब चैनल के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल नीचे जाइए और जाके उसका सबसे पहला वीडियो है वो देखने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा उसने कहाँ से शुरू किया है, एंड दैट्स हाउ यू गेट मोटिवेटेड। नॉर्मली क्या होता है कि आप सबसे पहला, सबसे आखिरी वीडियो लोगों का देखते हो और वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको लगता है कि यार उन्होंने शुरुआत ही वहीं से की है, इतना अच्छा वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकता। पर अभी देखो इसने कहाँ से शुरुआत की थी इस बंदे ने, मतलब अगस्त 3, 2015 में इसने वीडियो बनाया था, एंड दिस वीडियो इज अबाउट जस्ट आई सी योर जूडो इज वेरी गुड पीपल टॉकिंग इन द कार, नॉट वेल एडिटेड, नॉट नथिंग हैपनिंग इन दैट वीडियो। सो इसने वीडियो बनाया और धीमे धीमे इसने बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोज बना बना के अपना चैनल चलाना शुरू किया, और आगे जाके जो मुझे लगता है कंसिस्टेंटली बनाना शुरू किया वो ये 1.2 मिलियन व्यूज 3 ईयर्स अगो बॉलीवुड एक्टर्स। सो इसने बेसिकली लिस्टिकल्स बनाने शुरू किए, 3 थिंग्स डेट यू मस्ट सी, 5 फिल्म डेट यू मस्ट वॉच, 5 वेब सीरीज डेट यू मस्ट वॉच, 7 क्रेजियस मूवमेंट, टॉप 8 बॉलीवुड मूवीज। सो लिस्टिकल्स ऑलवेज वर्क, 10 अंडररेटेड मूवीज, सो दीज थिंग्स ऑलवेज वर्क एंड दिस हैज़ वर्क विद हिम। अभी रिसेंटली मैं दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो उसने खाना बनाया और उसके बाद वो कविताज किचन को क्रेडिट देता है कि ये कविताज किचन से मैंने सीखा है। आई डोंट नो कि कविताज किचन से इसका कोई कनेक्शन है या उसने रैंडमली देख के इनको से प्रमोट किया है या पैसा लेके प्रमोट किया, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक पैसा लेके प्रमोट किया होगा क्योंकि कविताज किचन ऑलरेडी 6.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये औरत भी लगातार अच्छे वीडियोस बना रही है। मैं इसका पहला वीडियो आपको दिखाता हूँ, सॉरी लास्ट वीडियो दिखाता हूँ जो भी इन्होंने बनाया है। दही और आलू की बहुत ही मजेदार सब्जी, मीठा दही नहीं लेंगे, देखिए कुछ खास नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ डाल ले क्लोज शॉट में सब कुछ बताते गए हैं, एक जगह कैमरा लगा हुआ है, आप कविता को भी देख पाओगे इसमें बनाते वक्त, अच्छा वॉइस ओवर दिया है सब कुछ है। अब इनका मैं पहला वीडियो देखता हूँ कि सबसे पहला वीडियो इनका कौन सा था जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, एंड शी हैज मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस। सो लेट्स गो, नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन सा वीडियो इनका सबसे पहला वीडियो था। 1 साल हो गया, सी शी इज़ बीन सो कंसिस्टेंट अबाउट मेकिंग वीडियोज, शी इज़ बीन मेकिंग वीडियोज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, 2 साल 3 साल। तो अभी लेटली अगर आप लास्ट ईयर की वीडियो देखो तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, पर थर्ड ईयर में उन्होंने इतने सारे वीडियोज़ नहीं बनाए थे, सेकंड ईयर में इतने वीडियोज़ नहीं बनाए थे, फोर्थ ईयर आ गया है एंड नाउ देखिए फोर्थ ईयर आ चुका है, उन्होंने 4 साल पहले शुरू किया होगा या 5 साल आ गया, यानी 5 साल पहले शुरू किया होगा, और पहला इनका वीडियो 5 साल पहले आया था, भिंडी ओकरा विद ओनियंस क्रिस्पी। अब इसकी क्वालिटी आप देखिए तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि देखिए इसकी क्वालिटी कैसी है और पहले वाले वीडियो की क्वालिटी कैसी थी, किचन कैसा है इनका। 2014 में इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया है ना, मुझे ये नहीं पता इनका पहला वीडियो, क्योंकि कई बार यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि जो अच्छे वीडियोज नहीं होते उनको हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, सो मे बी इन्होंने भी हाइड कर दिया हो, उसको प्राइवेट कर दिया हो, बट द थिंग इज शी इज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट मेकिंग हर वीडियोज, एंड दिस यू शुड ऑल्सो डू, यू शुडंट वरी अबाउट हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव और हाउ मेनी व्यूज यू हैव, यू जस्ट कीप मेकिंग वीडियोज, बिकॉज वॉट हैपन्स इज जब आप वीडियोज बनाते रहते हो तो विथ कंसिस्टेंट एफर्ट यू बिकम बेटर। लाइक अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये OBS नाम के एक सॉफ्टवेयर पर बना रहा हूँ, तो OBS नाम का जो सॉफ्टवेयर है, OBS बेसिकली, सो OBS नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये मैं इसको यूज़ कर रहा था और मैं ये H1N जूम रिकॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ये स्नोबॉल करके माइक्रोफोन यूज़ करता था जिसकी पता नहीं क्यों शायद मैंने जो मंगाया है ये उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि मैंने जो भी रिव्यूज़ देखे हैं स्नोबॉल के वो काफ़ी अच्छे हैं, और इसके पीछे एक बटन होता है जिससे आप साउंड कंट्रोल कर सकते हो, नॉइज़ रिडक्शन कंट्रोल कर सकते हो, पर इसमें ऐसा कोई बटन नहीं है। तो मैंने H1N जूम को ट्राई किया, क्योंकि मेरा H1N जूम ख़राब हो गया है और बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, तो मैं इसको लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसका साउंड यूज़ करता हूँ। पर OBS में रिसेंटली मैंने एक नई चीज़ देखी कि OBS में अगर आप कुछ फिल्टर्स यूज़ करो तो आपके नॉइज़ बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि इस वीडियो में आपको दिखेगी कि मुझे नॉइज़ रिडक्शन नहीं करना पड़ा। मैंने नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ता है कि मैं प्रीमियर प्रो पे लेके जाता हूँ वीडियो को और उसके बाद नॉइज़ रिड्यूस करता हूँ ऑडेसिटी नाम के प्लेयर पे, तो मेरे को MP3 फाइल निकालनी पड़ती है अपने वीडियो की, फिर उसका मैं ऑडियो क्लियर करता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ, फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ, तो धीमे धीमे जो मेरे प्रोसेस हैं वो ईजी होते जा रहे हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी टेक्निक्स पता चलती जा रही हैं। अब जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मेरा छोटा सा ये बन के आ रहा है और पूरा बाकी जो चैनल है वो मैं आपको YouTube दिखा रहा हूँ, तो ये दो
सेट्स बनाने में मेरे को एडिटिंग में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल करता था और सेपरेट वीडियो बनाता था OBS के ऊपर, बाद में एडिट पे जाके उसको मैनिपुलेट करता था। पर अभी मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया है, क्योंकि अब मैं सिर्फ बटन के मदद से उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। सो द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर आई थिंक यू शुड कीप ऑन मेकिंग वीडियोज, विच इज इवेंचुअली वॉट आई एम गोइंग टू डू। और मेरा मेरा भी ये प्लान है कि आई विल जस्ट कीप ऑन मेकिंग वीडियोज, आई डोंट केयर वेदर माई वीडियोज आर सीन बाई पीपल और नॉट, बिकॉज इवेंचुअली दे विल बी सीन, बिकॉज आई नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट एक्सटर्नल, इज इंटरनल। हाउ मच यू इम्प्रूव एज अ टॉकर, हाउ मच यू इम्प्रूव वाइल टॉकिंग। आप जितना अच्छा बोलना शुरू करोगे उतना अच्छा आपका यूट्यूब कॉन्टेंट होगा, और जितना अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, बेसिकली साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड को बहुत लोग इज्जत नहीं देते हैं, लोग सोचते हैं हम अच्छे विजुअल्स अच्छे कट से दिखाते हैं, पर हम साउंड पे वर्क नहीं करते हैं। तो अगर आप इनिशियली ही साउंड पे वर्क करने लगोगे, अच्छा साउंड क्लियर साउंड देने लगोगे, तो आपके यूट्यूब वीडियोज बहुत अच्छे बनेंगे। एंड दिस फंडा ऑल्सो वर्क्स ऑन फिल्म एज वेल। 90 अभी मैं कोई फिल्म देखा था जो बहुत ही लो बजट थी, पर उसका साउंड बहुत अच्छा था, एंड बिकॉज ऑफ द साउंड द प्रोडक्शन लुक्ड वेरी हाई। और मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया था जहाँ पे किसी ने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी, तो उसने मुझे सबसे पहले ये बोला कि ये फिल्म तो ठीक है, पर मुझे कोई ऐसी फिल्म दिखाओ जिसमें डायलॉग्स हो और अच्छा बैकग्राउंड साउंड हो, क्योंकि मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साउंड की वजह से आपकी फिल्म अलग लेवल पर निकल के आती है, आपकी वीडियोज़ भी अलग लेवल पर निकल के आएंगे। तो आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू मेक इफ यू स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल, कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड साउंड एंड जस्ट कीप मेकिंग वीडियोज, जस्ट कीप मेकिंग वीडियोज, बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू एंड नथिंग एल्स विल। So this was my vlog for today. I hope you liked it, and if you liked it, please do subscribe to my channel. And let's meet it next time. कुछ queries हैं तो आप comment box में पूछ सकते हैं. Please also like my video. और जल्द मिलते हैं next vlog के साथ. Thank you.